बाइक ग्राइंडर। शिवपुर नामक एक गांव था। गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। विजय अपने गांव में होम डिलीवरी का काम करता था। उस गांव के लोग विजय से जरूरी सामान जो भी चाहिए होता उसी से मंगवाते थे, जैसे बुजुर्गों के लिए दवाइयां, खाने पीने का सामान, इस तरह के सामान मंगवाया करते थे और किलोमीटर के हिसाब से विजय को पैसे दिया करते थे। विजय की पत्नी घर पे ग्राइंडर मशीन चलाती थी और उससे आए हुए पैसों को जमा करती थी, और जो पैसे विजय कमाता था उन पैसों से घर चलता था। इस तरह विजय का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन विजय अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान मैं इस होम डिलीवरी के काम से अब थक चुका हूँ और पेट्रोल का दाम भी आजकल बहुत बढ़ रहा है और ट्रैफिक की वजह से ठीक समय पर मैं सामान भी नहीं पहुंचा पाता। हमारे गांव में एक नई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री खुल रही है। उस फैक्ट्री में कुछ काम है जहां 30,000 की पगार मिलेगी और 2 छुट्टी। मैं सोच रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लूं। पति की बात सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत ही उस फैक्ट्री को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बीवी की बात सुनकर विजय ने कहा, भाग्यवान मगर उस फैक्ट्री में शामिल होने के लिए मुझे एक ऑटो चाहिए, मगर मेरे पास उतने पैसे नहीं जो मैं ऑटो खरीद सकूं। तभी विजय की पत्नी ने कहा, पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, उन पैसों से आप ऑटो खरीद कर फैक्ट्री में शामिल हो जाइए। पत्नी की बात सुनकर विजय खुश हो जाता है। दोनों अंदर जाकर जमा किए हुए पैसे निकाल कर देखते हैं। पूरे पैसे गिनने के बाद कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी विजय की बीवी अपने मालके के गहने अपने पति को देती है। आप अभी इन जेवर को लेकर कुछ पैसे ले आइए और अपने पसंद का ऑटो ट्रॉली खरीद लीजिएगा। विजय उन जेवरों से मिलने वाले पैसे को लेकर ऑटो खरीद लेता है और खुशी खुशी उस फैक्ट्री में शामिल हो जाता है। उसका काम भी अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन विजय की पत्नी की ग्राइंडर मशीन खराब हो जाती है। इस तरह वो 2 दिन तक घर में बैठी रहती है और कोई काम नहीं कर पाती। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ग्राइंडर को ठीक करवा सके। सारे पैसे उसने विजय को ऑटो खरीदने के लिए दे दिए थे। तभी विजय एक तरकीब निकालता है। विजय घर में पड़ी हुई पुरानी गाड़ी के इंजन को निकालकर उस ग्राइंडर में जोड़ देता है और इस गाड़ी में पेट्रोल डालकर उसे जैसे ही स्टार्ट करता है उसके साथ ग्राइंडर भी चालू हो जाता है। और इसी के साथ बहुत टाइम के बाद उस ग्राइंडर को बाइक की मशीन के साथ जोड़कर स्टार्ट किया जाता है। पति की बुद्धिमानी को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। इस तरह से बाइक ग्राइंडर को राजू पेट्रोल डाल के चलाता था और उसकी बीवी उससे बहुत अच्छा काम कर रही थी। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक दूसरे की हेल्प करने से हम हमेशा अच्छा काम करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। लालची बिजली रिपेयर वाला। एक गांव में शंकर नाम का आदमी रहता था जो बिजली की चीजें रिपेयर किया करता था। शंकर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। छोटी से छोटी मरम्मत के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसे गांव वालों से लेता था। जब उसके पास कोई काम नहीं रहता वो गांव वालों के घर में चुपके से घुसकर उनकी चीजें खराब करता और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर ठीक करके देता। एक दिन उस गांव में बिजली चली जाती है और गांव वाले शंकर को बुलाते हैं। शंकर भैया, सुबह से बिजली नहीं है और आपने इतनी देर कर दी आने में, थोड़ा जल्दी से बिजली ठीक कर दो ना। सारे गांव में शंकर एक ही था जो बिजली ठीक किया करता था। मेरे घर में भी बिजली नहीं है और ये तार भी इतने पुराने हो चुके हैं कि इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें तारों को बदलना होगा। अरे शंकर भाई, पिछले साल ही तो हमने तारों को बदला था, फिर से बदलना होगा। हाँ, अगर सस्ते किस्म के डालोगे तो ऐसा ही तो होगा। तार अच्छी होने के बावजूद भी शंकर तार को बदल देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे।
शंकर का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो रातों को लोगों के घरों में चोरी से जाकर उनके टीवी फ्रिज को खराब करके आ जाता और सुबह गांव वाले उन चीजों को शंकर से ठीक करवाने लाते। एक दिन उसी गांव में रहने वाला मधु नाम का आदमी शंकर से पूछता है, शंकर हमारे गांव की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब क्यों हो रही हैं? मुझे क्या पता, ये बात तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं ही खराब करके आता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं है शंकर, अक्सर हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए मैंने पूछा। खराब हो रही है मतलब खराब हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बिना मुनाफे के रिपेयर कर रहा हूँ, अगर बाहर लेकर जाते तो देखो कितना खर्चा आता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। मधु वहां से चला जाता है और शंकर मन ही मन सोचता है, बड़ा आया मुझ पर शक करने वाला, अब फिर कभी मेरे पास नहीं आएगा। शंकर लापरवाह हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा घरों में चुपके से चीजें खराब करने लगता है। मधु शंकर पर नजर रखे हुए था। मधु ने देखा कि शंकर रात के वक्त घरों में घुसकर चीजें खराब कर रहा है। मधु शंकर को सबक सिखाना चाहता था। मधु ने शंकर के घर की सारी चीजें खराब कर दी। अरे ये क्या, मेरे घर की सारी चीजें एकदम से खराब कैसे हो गई? अभी इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा, अगर रमा घर आ गई तो मेरी खैर नहीं। ये सोचकर शंकर चीजें ठीक करने बैठता है। मधु चुपके से आकर बिजली के तार को निकाल देता है और ये बिना देखे शंकर आकर मेन स्विच ऑन करता है। बस फिर क्या, शंकर को करंट लगता है। आए, 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 मैं मर गया, अरे मेरा हाथ चल गया, अरे मुझे झटका लग गया है। अरे शंकर क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे करंट का झटका लगा है। क्या झटका लगा? और वैसे भी तुम घर में कर क्या रहे हो? मेरे घर में सारी चीजें खराब हो गई हैं, इन्हें रिपेयर करने के लिए मैं घर पर हूँ। क्या तुम्हारे घर की सारी चीजें खराब हो गई? कैसे? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शंकर घर की सारी चीजें ठीक कर लेता है। फिर से मधु आकर शंकर की सारी चीजें खराब कर देता है। शंकर की बीवी राधा वापस आ जाती है। ये क्या, पंखा भी नहीं चल रहा है, फ्रिज भी नहीं चल रही है, घर में कोई चीज काम क्यों नहीं कर रही है? मधु वहाँ आता है। हाँ बहन, पता नहीं क्यों हमारे गांव को क्या हो गया है, सारी चीजें खराब हो रही हैं। शंकर लगातार काम कर रहे हैं फिर भी चीजें खराब हो रही हैं। अच्छा देखो जी, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे जल्दी हमारे घर की सारी चीजें ठीक करके दो, समझे? शंकर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर गांव वालों की चीजें खराब होना बंद हो जाती हैं और सिर्फ शंकर की चीजें ही खराब होती हैं। एक दिन, अरे शंकर भाई क्या बात है, तुम दुकान पर नहीं आ रहे हो? घर की सारी चीजें खराब हो रही हैं, उन्हें ठीक करने में वक्त लग रहा है। अच्छा, इन दिनों हमारी चीजें खराब नहीं हो रही हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आए दिन कोई ना कोई चीज खराब होती ही रहती थी। ये सुनकर मन ही मन शंकर सोचता है, हे भगवान, मैं लालच में आकर इन सब की चीजों को खराब करता रहा, अब मेरे ही घर की चीजें लगातार खराब हो रही हैं। मुझे क्षमा करना, लालच नहीं करूंगा आज के बाद। अपनी बीवी रमा से कहता है, रमा मैंने लालच में आकर गांव वालों की चीजें खराब कर दी और उन्हें दुगने दामों पर ठीक करता रहा, शायद इसकी सजा भगवान जी मुझे दे रहे हैं, मेरे घर की सारी चीजें लगातार खराब हो रही हैं। मधु शंकर पर नजर रखे हुए था। वो शंकर के पछतावे को देखकर खुश हो जाता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नीति मिलती है कि जो दूसरों का बुरा करना चाहता है
उसका खुद बुरा हो जाता है। लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।